ये पंजाब की सरजमीन इसके के शाह नायत कदरी उनका फतवा मैं इस लिहाज से अपने हद में जो उन्होंने दिया था कि अगर तोहन रसालत करने वाले को मारेंगे तो काफिर मुल्क हमला कर देगा अगर तोहन रसालत करने वाले पे हद लगाएंगे तो तिजारत बंद हो जाएगी अगर गुस्ताख पर सख्ती करेंगे तो हम खुद मसाहब में गिर जाएंगे हज़रत शाहत कादरी बुल्ले शाह के पीर ने उस वक़्त अरबी ज़ुबान में ये फतवा दिया जो कुछ हो जाए जितने मफाद भी फोत होते हों फो सारे मफाद सरकार के कदमों के पे कुर्बान किए जाएंगे और गुस्ताख़ को नरमी से उसके साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा ये गायतुल हवाशी के अंदर ये जो कलमी नुस्खा है उनका उसमें ये 240 सौ चालीस वरक़े पे चूँकि वो पुराना तरीका था सफ़ा नंबर नहीं लिखते थे वरक़ा लिखते थे ये उस मखतूते का जो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ है ये मेरा पी एच डी के थीसिस का हिस्सा है इसमें ये अरबी ज़ुबान के अंदर इन्होंने ये लिखा वलायुदाहाना ए बु हु फ़ी हुक्म कत्ल ही कि जो बादशाह वक्त है मुसलमानों का वो या उसका नायब लाजुदा हू फीहुक में कत्ले ही वो गुस्ताख को कत्ल करने में मुदाहनत ना करे गुस्ताख को कत्ल करने में किसी मसलत का शिकार ना हो गुस्ताख को कत्ल करने के लिहाज से वो सुस्ती ना करे और इस सिलसिला में हिले ना ढूंढे कैसे व इन फाताफी कत्ल ही वन एदाम ही अलमसा दुनियबी या तो अगरचे उस गुस्ताख को कत्ल करने में दुनियावी मफादात का जनाजा निकलता हो तो क्या वो दुनियावी मफादात छोड़ दिए जाए लेकिन गुस्ताख को जिंदा ना छोड़ा जाए यानी ये बाकायदा हमारे असलाफ ने बादशाहों के लिए ये फ़त्रे लिखे कि जिनको इस्लामी ममालिक में हुकूमत मिलती है वो पाबंद हैं कि अपनी नहीं चलाएंगे दीन का हुक्म चलाएंगे तो ये हज़रत शाह नायत कदरी जो बुल्ले शाहब के शेख हैं पंजाब असम्बली के सामने शार फातमा जनाह पर जिनका मज़ार है तो ये बात बातों जिनको आज तुम कहते हो कि ये मौलवी तंग नज़र हैं और ये नैरो माइंडेड हैं तो फिर पूरी उम्मत ही तंग नजर है ये सारे असलाफ हालांकि ये तो सूफिया में से बहुत बड़े सूफी हैं लेकिन नमूश रिसालत पर चुप कर जाना जब कोई तोहीन कर रहा हो तो वहाँ खामोश हो जाना वो तसव्वुफ नहीं वो बगैरती है इस वास्ते एक सूफी ने अपने फतवे में अपने अहद में ये लिखा कि अगर किसी ने हमारे आकाश अलैहि वसल्लम की तोहीन की तो उसको कत्ल किया जाएगा अगरचे दुनियावी मफादात सारे ज़ाया होते हों यहाँ तक कि अगली इबारत के अंदर उन्होंने फिर इसकी वजाहत की मफादात में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अगर तोहीन करने वाले वो टोला इतना दुनियावी तौर पर अस्करी तौर पर ताकतवर है कि अगर उनका बंदा फांसी पे चढ़ाया तो वो जज कत्ल कर देंगे जिस जज ने गुस्ताख के बारे में फ़ैसला किया कि गुस्ताखे रसूल सलाम को फांसी दो वो उसके उस गुस्ताख़ के कबीले के लोग जज कत्ल करेंगे काजी कत्ल करेंगे गवर्नर कत्ल कर देंगे वो इतने बड़े दहशतगर्द हैं तो हजरत शाह नायत कादरी ने कहा अगर जज कत्ल हो जाए गवर्नर कत्ल हो जाए से रिसालत की वजह से तो हो जाए उस मुजरिम को फिर भी ना छोड़ा जाए यानी ये सारे फैसले पहले किए जा चुके हैं